आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना सिखा रही हूँ। तो गुलाब जामुन में हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ आपको। ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए आपको, और एक कप मैंने बेकिंग कप जो होता है जिसके जिसे केक वगैरह हम वो करते हैं वो वाला, एक कप मैंने इसका लिया है। आप जो है दूध है, खुश्क दूध है, ड्राई मिल्क, और एक अंडा है हमारे पास होल एग है, और दही के टेबल वन टेबल स्पून भर के दही है इसके अंदर, आलमंड है गार्निश के लिए, बादाम, और इसमें एक टीस्पून वन टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है कार्डमम पाउडर, और शुगर है मेरे पास वन कप। तो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लेके एक आप एक बाउल ले लें, बाउल के अंदर मैंने अपना ये डाल दिया, चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, दूध चला जाएगा, अंडा चला जाएगा, और ऑयल चला जाएगा। ऑयल आपने जानना है वन टेबल स्पून, वन टेबल स्पून ऑयल चला गया, योगर्ट चला गया वन टेबल स्पून, इसको हो गया। अब मैं आपको शीरा पहले बता देती हूँ ताकि शीरा चढ़ा देते हैं हम। शीरा आएगा चीनी और ये इलायची पाउडर, आधी इलायची जो है हम इसमें डाल देंगे मिक्स कर देंगे, और आधी इलायची जो है हाफ टी स्पून इसमें मिक्स कर दिया, हाफ टी स्पून मेरे शीरे इस शीरे में चला जाएगा। तो शीरा चढ़ा दें। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, एक कप में आधा कप पानी डाल देंगे, बल्कि एक ही कप डाल देते हैं, एक कप पानी। पानी अगर आप भी डालें तो थोड़ा सा जरा हाथ रोक के डालेंगे, ज्यादा ना खुश करना पड़े। एक कप चीनी, चीनी अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन एक कप तो जाएगी ही जाएगी। को ज्यादा मोटा नहीं, मतलब ज्यादा थिक इसका वो ना हो शीरा, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारी गुलाब जामुन है वो ना हो जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी और ना खराब हो जाएंगी। अच्छी तरीके से अब मैं इसको हल्की आंच पे बनाने के लिए पकने के लिए रख देती हूँ शीरे को, और इलायची है पानी है इसको रख दिया हमने हल्की आंच पे। अब मैं इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर देती हूँ और बाकी हम अपना जब तक डो बनाते हैं। अब इसको भूनना शुरू करते हैं बस इसी आटे से, और एक कप ऑयल और जो हमने एक कप उसमें वो डाला है। Okay. मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें वन टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर हमने डाला है वन टीस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें ही भून लेते हैं। मैं ग्लव्स डाल देती हूँ क्योंकि इससे सही हो नहीं रहा, ये स्टिकी हो रहा है इससे ना, तो आराम से हाथ से ही करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि वन टेबल स्पून, वन टेबल नहीं वन टी स्पून योगर्ट, योगर्ट वन टी स्पून है इसमें। अब हमारा ये गुन गया डो, अब इसकी बॉल बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से हो गया, अब होने के बाद इसकी बॉल्स बनाते हैं। बॉल्स बनाने के लिए अपना हाथ ज़रा सा गीला कर लें पानी से, ज़्यादा नहीं करिएगा, बस बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है हमने, और इस तरह बॉल्स बना लें। छोटी बड़ी का कोई मसला नहीं है, ज़रा सी प्रैक्टिस होगी तो आपके खुद ही बाद में हो जाएंगे। पहले बस ये हो कि गुलाब जामुन ज़रा सा जैसे दही है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, ज़्यादा दही नहीं डाल दीजिएगा, दही से फिर ये होगा कि आपका पतला हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो फिर पतला दही भी आप बना सकती हैं, लेकिन स्टार्ट में ज़रा सा हल्के ही सही कीजिएगा। दही की क्वांटिटी हाफ टी स्पून लीजिएगा, बल्कि हल्का सा ही लीजिएगा, भर के पूरा नहीं लीजिएगा। इसी तरह हम बाकी सारी बॉल्स बना लेते हैं। ये 12 से 13 आपकी गुलाब जामुन बनेंगी, रसमलाई गुलाब जामुन बनेगी। तो मगर आपने ये करना है कि जब आप बना रहे हो तो मैंने जैसे पानी से हाथ में ज़रा सा लगा के फिर गुलाब जामुन बनाइए, लेकिन आप पानी को अभी ना बनाइएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप पानी से यूज़ कीजिएगा। उससे पहले आप ऑयल हाथ में ज़रा सा लगा के फिर बनाइएगा, क्योंकि पानी एकदम दूध को मतलब गीला गीला करने लगेगा तो आपसे वो बैलेंस संभाला नहीं जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो इस वजह से पहले आप ऑयल से ही कीजिएगा।
अब ये देखिए हमारी 13 गुलाब जामुन बनी है एक कप में। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये मैं इसमें फ्रायर में बना रही हूँ इसको, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्राई ऑयल में डाल रही हूँ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था पहले ताकि ये नीचे जाते ही ऊपर आ जाए, और मैंने फ्रायर की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो करी है। आप भी अगर फ्राई पैन में बनाएं तो ओवन पे बनाएं तो इस पहले ऑयल को गरम कर लीजिएगा, जब आप देखें कि वो गरम हो गया है तो फिर उसको 10 मिनट पहले उसकी 5 मिनट पहले उसकी आँच हल्की कर दें, फिर उसको हल्की आँच पे बनाते जाएँ। मैं इसको इसके अंदर ही कुक कर रही हूँ तकरीबन 3 चार मिनट तक के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 3 मिनट बाद। लेकिन अभी ये ऊपर आ रही हैं, इसी तरीके से ये ऊपर आती जाएंगी, ये देखें, और ये फूलती जाएंगी इसके अंदर। मैंने इसकी स्पीड बहुत कम की हुई है कि ये ना हो कि एकदम सारी गुलाब जामुनों पर कलर आ जाए और वो अंदर से ना हो, इस वजह से हल्की आंच पे इसको आप चूल्हे पे ही बनाएं तो हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा। और फिर हल्के आंच से करने से ये होगा कि आपकी गुलाब जामुन हर तरफ से इक्वल आएगी। तो इसको हम होने देते हैं इसके अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करते हैं। ये देखें शीरा भी हमारा रेडी हो गया है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस चीनी आपकी डिजॉल्व हो जाए इसके अंदर, तो बस इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं। तो जब हमारी गुलाब जामुन लेंगी फिर दोबारा इसको मैं नीम गर्म करूँगी और गुलाब जामुनों को सारों को इसमें डाल देंगे ताकि वो 2-3 मिनट फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे तो गुलाब जामुन और फूल जाएंगी और अच्छी बनेंगी। तो ये तो हमारा शीरा तो हो गया, इसको मैं बंद कर रही हूँ अभी जब तक गुलाब जामुन हो रही है हमारी। ये देखें इसको 2 मिनट बाद इसका कलर ऐसा हो गया है। अब आपने जिस इसको जितने भी उसमें कलर देना है, आपने डार्क कलर की करनी है तो डार्क कर लें, काली गुलाब जामुन होती है तो हम इसको डार्क कर लेंगे ब्राउन कलर की जो काली गुलाब जामुन होती है, और अगर इसको लाइट कलर में रखेंगे तो ये इस कलर में है। आपको ये अब आपका है कि आपने इसको जैसे अच्छी तरीके से भी पक गई है हल्की ही आँच पे, तो अब अगर इसको हम ज़्यादा कलर देंगे तो ये काली कलर की गुलाब जामुन हो जाएगी, और अगर इसको लाइट रखेंगे तो ये गोल्डन गुलाब जामुन जो मिलती है वो वाली हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको ज़रा सा और गोल्डन कलर देना है, काली नहीं कर रहे मगर हमने इसको गोल्डन सा कलर करना है। तो जब तक ये हो रही है हल्की आँच पे इसको कवर में, इसको जो फ्रायर का कवर है मैं वो नहीं बंद कर रही हूँ, इसको ना खोल के ही बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ ताकि आप मैं भी देखती रहूँगी कि ये कैसी हो रही है, कहीं ये ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा हो जाए और एक तरफ से कम हो जाए। तो फिर मैं आपको 2 मिनट बाद फिर दिखाती हूँ। ये देखें हमारी रेडी हो गई है गुलाब जामुन। अब मैं इसको ऊपर करके 2 मिनट के लिए इस तरह रख दूँगी ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए एक्स्ट्रा, और फिर इसको हम अपने शीरे में मिलाते हैं। जब भी आप गुलाब जामुन अगर इसमें बनाएं फ्रायर में बनाएं तो उसको ऊपर से बंद ना कीजिएगा, पास ही खड़े रहें ताकि 5 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर वो जो है कलर बार बार चेंज करेंगी तो आपको बार बार उसे चेंज करना है उसे उसको शेप को ना, ताकि कहीं ये ना हो कि एक ही साइड से ज़्यादा वो हो जाए। तो अब जैसे ही ये ज़रा से कूल डाउन होती हैं, मतलब कि इसका वो भी ऑयल भी निकल जाता है, फिर मैं इसको अपने शीरे में मिक्स करती हूँ। ये देखें जी मैंने अपना शीरे के नीचे जो इसका चूल्हा है वो जला दिया है, और ये जितनी भी गुलाब जामुन है वो हम इसमें डाल रहे हैं। डालने के बाद एक कप में आपकी 12-13 गुलाब जामुन आराम से बन जाएंगी। और पहले अगर बनाएं तो एक कप से स्टार्ट करें, पहले एक कप की बना लें, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए तो एक कप की बना लें पहले, फिर दूसरे कप की स्टार्ट करें। उससे ये होगा कि चीज़ ख़राब नहीं होगी ज़्यादा से एकदम शुरू में स्टार्ट में, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2-3 की भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि शुरू में थोड़े से ही की बनाइएगा। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ तो ये उसमें ही स्टीम में पकती रहेंगी, ज़रा से 5 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम हाई कर रही हूँ, ये फूल चुकी हैं सारी सही तरह। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर निकाल ली है लोंगे में, बाउल में निकाल ली है, ऊपर से हम बादाम डाल रहे हैं। और ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा मुझे कि आप, दही का मैंने आपको बता दिया था कि 1/2 टीस्पून डालिएगा, और क्योंकि शुरू में आप कम ही डालें तो अच्छा है, और वो जो ऑयल है वो आप क्या कहते हैं पानी से ना कीजिएगा, ऑयल से कीजिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाए तो पानी से कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा गुलाब जामुन कैसी बनी है, उसी तरीके से बनाइएगा, बस इसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो थोड़ी सी चीज़ से ख़राब हो जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसी बनी है, गर्म हो रही है, ये देखें अंदर तक। अब ये थोड़ी देर इसमें रहेंगी तो शीरा और अंदर चला जाएगा, मतलब ये और वो हो जाएंगी,
इस तरीके से आनी चाहिए। सॉफ्ट देखें कितनी है ये। तो दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।